दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को, और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और हमारी, मेरे लिए खुशी बात ये है कि मेरी दूसरे से भी उनके साथ टूर किया, साथ उठा बैठा हूँ बंगले पे, कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारी जूलिया महमूद साहब, इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में, ये उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं, इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने लगे कि हम छोटे कलाकार हैं, हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे, या बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे, ओ मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना, इसी मोहब्बत इतना प्यार जो है, क्या आप उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे, कल्याण जी आनंद जी नाइट हम करते थे, उनको चैरिटी फंक्शन ज़्यादा, वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे, तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे, अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे, हर टॉपिक पे, हर बात पे वो तैयारी करके आते थे, बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे, अभी डॉक्टर भी होते हैं हमसे ज़्यादा, ये डॉक्टर बने जो एक्टर कैसे बन गए, तो इंजीनियर से उनके लिए, बिल्डर के कुछ है बिल्डर होगा तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे, बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। शाहरुख खान आए हुए, शाहरुख खान आए थे वो जैसे सुमन कुमार के घर पर, जॉनी लीवर मैं आपको बता दूँ, जॉनी लीवर अभी भी आए हुए हैं, वो भी दर्शन के उनके घर के अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कई सेलिब्रिटीज का आना जाना, हर कार के पीछे अरे दादा दादा साड़िया साड़िया दादा ओ दादा जान दो ओके ना।